Hey guys, welcome back to our channel. I'm Ikshwaku. I'm Samta. And I'm Parikshit. And we hope you're doing good. So आज हम react करने जा रहे हैं कुछ serial funny scene है हाँ. जो कि है हमारे तारक मेहता के उल्टा चश्मा legendary yes. show yes. legendary serial हमारा all time favorite yes हमारा बचपन स्कूल टाइम हाँ. हमने यही देख के गुजारा मैंने कभी नहीं देखा हाँ और ये ऐसे 1% हाँ. में से जिन्होंने देखा नहीं है तो बिल्कुल आपको भी मजा आएगा इसका रिएक्शन सुन के कि मतलब तूने ये नहीं देखा है तुरंत मेरे साथ क्या हुआ था एक बार मतलब केबल के पैसे नहीं दिखते तो एक बार क्या हुआ था कि मतलब मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे बचपन में वो लोग देखते थे तो मतलब वो वैसे बातें करते थे इसके बारे में कि अरे कितना अच्छा आता है वो देखते रहते थे हम लोग CID वगैरह हाँ, तो तुम ये देखो मैंने कहा अच्छा मैंने कहा कौन से चैनल पे आता है तो कहते सब चैनल पे अच्छा सब चैनल पे मैंने कहा अच्छा क्या टाइमिंग क्या है मुझे लगा सब पे आता है तो मैंने कहा टाइमिंग क्या है तो कहती है वो तो आता रहता है हर टाइम आता है 8:30 थी बट वो वैसे सुबह सुबह हाँ वो तो कहती वैसे हर टाइम आता रहता है तो कभी भी देख सकते हो मैंने कहा अच्छा सॉरी चैनल मैंने कहा मुझे मिला ही तब से लेके वो आज के दिन है इसे वो सब चैनल मिला ही नहीं वो सारे सब चैनल एक में कंबाइन करके इसको दिखा रहे हैं यस तो बिल्कुल हम जानते हैं कितना ही बड़ा वो हुआ था यस और बाकी ये एपिसोड कौन सा हमें वो तो नहीं पता पर लिखा है गोकुल धाम में चोरी तो ये चोरी हुई थी बीच में उसका है अभी कौन सी चोरी है हमें तो रिकैप हो जाएगा और इसका थंबनेल दिख रहा है ना हाँ थंबनेल बहुत ही फनी है और पूरा गड़ा फैमिली है हाँ और गड़ा फैमिली जहाँ पे मिल जाती है तो बस तो वहाँ फनी गड़ा फैमिली मींस गड़ा फैमिली सरनेम गड़ा जेठालाल गड़ा जेठालाल गड़ा चंपकलाल गड़ा दीपेंद्र गड़ा और दयाबेन नहीं वैसे तो मैंने भी देखे है जो स्टोरी कैरेक्टर्स पता है सिमटा को अब देखते हैं यस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यस सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड का उल्टा चश्मा चलो सीधा कैसा म्यूजिक गन रख दे जरा भी आवाज किया तो ये चल तुमने कुछ पहना हुआ मुंह पे जरा भी आवाज किया ना तो ये चल जाएगी दोनों नहीं तो नहीं उसने नहीं पहना एक ने पहना दोनों ने पहना दूसरे ने भी पहना दोनों ने पहना ब्लैक वाला अच्छा उसका पता आवाज तो आएगा ना चुपचाप बता कि वो 25 लाख रुपए तूने कहाँ रखे ये पहनने से क्या चारा नहीं दिखता बोलना बोलता तू नहीं बे बोलना जल्दी आपने बोला चुपचाप बताओ समझ में नहीं आ रहा चुपचाप रहोगे बताओ सही में एक मिनट तो वो साथ में सो रही है कुछ बताइए तो उसको क्यों उठा रहा उसे पता उसको ही मालूम है किधर है तो फिर उठा दया दया 25 लाख किधर रखे हैं टप्पू की स्कूल बैग में स्कूल बैग में 25 लाख स्कूल बैग किधर है सब बता देगी आंखें बंद है अमरेली कभी गई थे तुम वहां कहाँ रख के आई ये अमरेली क्या है गाँव है किधर है गुजरात सौराष्ट्र अलमारी क्या है तो उधर जाने का कैसे भावनगर मालूम है अरे तो बगसरा से आप जाएंगे ना आगे तो उधर एक चौकड़ी आती है उधर से लेफ्ट जाने का राइट उधर पूछ लेना मालूम है कैसे जाने का अमरेली से नहीं अमरेली नहीं अलमारी जा रहे थे बच्चा खासा और अलमारी कहाँ है वो हमें पता है अरे भाई 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 उसमें नहीं मेरी बात। अरे भाई बाजू हटना भाई, एक मिनट बाजू हट भाई। ये किसी के अमन आता भाई, बात सुनो। ये दिनेश भाई के पैसे हैं, मैं वो आएंगे अभी, वो गए उधर किधर किधर, वो आएंगे उनको किधर। भाई 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 मेरी बात सुनो भाई, थैंक यू। बैग में कैसे टाल सपना नहीं, मत लेके जाओ, मत लेके जाओ नहीं। अरे अरे टप्पू के पापा क्या हुआ, कौन क्या लेके जा रहा है? आपने कोई बुरा सपना देखा? हाँ। हाँ? क्या? दया दो चोर ऐसे बंदूक लेके आए, बंदूक इधर मेरे सर पे रखी और 25 लाख लेके भाग गए। दया तूने वो 25 लाख संभाल के रखे ना अमरेली में, अमरेली अलमारी में नहीं तो कहाँ रखे? अरे यहाँ पर रखे हैं। दया ये 25 लाख की वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रहा है चोरों का। और देखिए आप चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए, कोई चोर बोल नहीं आएगा। ये ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अगर चोर आए ना तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? आप बाहर जाकर देखिए। क्या है बाहर? अरे देखिए तो सही। अच्छा मुझे याद है। पूरी बिल्डिंग में जा रखी है, कोई आया था? समझाती हूँ, आप अंदर से बाहर आए तब आपको पता था कि नीचे बर्तन गिरे हुए हैं। नहीं, ठीक वैसे ही चोर बाहर से अंदर आएगा तब उसको भी पता नहीं होगा कि नीचे बर्तन गिरे हुए हैं। तो जैसे आपका पैर टकराने से खुड़ुम खुड़ाम घुम आवाज आया, ठीक वैसे ही चोर का पैर टकराने से खुड़ुम खुड़ाम घुम घुम आवाज आएगा और हमें पता चल जाएगा कि चोर आया है। अरे क्या हुआ बेटिया? ये ओए ओए बाबूजी, अरे ये सब क्या है? वो बाबूजी, अगर कोई चोर हमारे घर में चोरी करने आए तो यह खड़ंग खुड़ंग आवाज से हमें पता चल जाए, इसलिए दया ने आधी रात में ये हो रहा है इनके घर पे। ओह बोल भी नहीं पाए, बहू का आइडिया। चल डब्बू चल। मैं क्या कहती हूँ, आपने बताया नहीं, कैसा लगा मेरा आइडिया? वैसे तो दया बेटी रियल वाली नहीं है, निकालती है, कैरेक्टर की आवाज है जिस लगती है, निकालता है। हम लोग इसे 7,000 रुपया देंगे, लेकिन ये भाई 7,000 रुपए में कोई चोर आएगा तो पकड़ोगे ना उससे? साहब जी हमारी काबिलियत पे शक ना किया करें हैं। 4 चोर और 3 पॉकेट मारों को पकड़ चुका हूँ, और यही नहीं साहब जी, गांव में कुश्ती के कई दंगल जीत चुका हूँ। देखो हमारे पहलवानों के भाग्य देखो। हाँ हुनर तो है पहलवानी और काम कर रहे हैं दरबानी। साहब जी बात तो सही कह रहे हो, लेकिन साहब जी अपना अपना नसीब है। लेकिन साहब जी मेरे होते हुए सोसाइटी में कोई चोर पाँव नहीं रख सकता। अबे चूहे से डर गया। हो सकता है भाई, फियर किसी भी चीज का। शेर सिंह नाम है। कोई चूहा नहीं है, चलो गया चूहा, गाड़ी से नीचे उतरो। कम ऑन कम ऑन। भाई क्या है? मानूस या मेहता साहब, ये शेर सिंह एक चूहे से डर गया, फिर हम सोसाइटी वालों की रक्षा क्या खाक करेगा? ओए रात को इसने चूहे को देख लिया तो इसकी रक्षा कौन करेगा? ये भी दिक्कत है। मेहता साहब क्या मतलब, ये क्या मतलब, ये कौन सा टाइप का वॉचमैन लेके आया? अरे मेहता बेजब, दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। अरे पर इसमें मैं एक मिनट समझने की कोशिश करो भाई, मैं क्या करूं? अगर वो चूहे से डरता है तो ये मुझे थोड़ा ही पता है, आपने बुलाया ना। अरे पर मैंने बुलाया तो मुझे को इसकी जन्मपत्री थोड़ी मालूम है, पूछता हूं ना। बोले का व्हाट इज दिस, सारे लोग मुझे दोष दे रहे हैं, मैंने आपको क्यों कॉल किया था? वी नीड अ गुड वॉचमैन, आप इतना डरपोक वॉचमैन लेके आइए। देखिए मिस्टर मेहता, शेर सिंह डरपोक नहीं है। हम सबने देखा है अभी उसे चूहे से डरते हुए। एक्चुअली इसे बचपन से सिर्फ चूहे का फोबिया है। अच्छा, सिर्फ चूहे से फोबिया है। फोबिया क्या क्या है? फोबिया फोबिया, हाँ वही पूछ रहा हूँ, वो क्या है? वही बात है फोबिया, डर। अरे बचपन में कुछ चीजों से जो डर बैठ जाते हैं ना, वो जवानी तक चलते हैं आदमी के साथ, उसे कहते हैं फोबिया। किसी को पानी से होता है, किसी को आग से होता है, कोई प्लेन पे बैठने से डरता है, और कुछ कुछ लोग तो ऊंचाई से झांकने में डरते हैं। हाँ यार, मेरे मौसी के लड़के को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। अच्छा, हाँ कौन से फ्लोर पे रहता है वो? ग्राउंड फ्लोर पे। ऊंचाई कहाँ आ गई? उसका ग्राउंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से शुरू होता है। पहले दो फ्लोर पे पार्किंग है। सही में आपके अपार्टमेंट ऐसे ही होता है। सफोला मसाला और क्लासिक मसाला। तुम लोग अपना बंद करो ना यार। मेहता साहब क्या अभी इसका क्या करना है? हाँ बाप साहब जी, मैं सिर्फ चूहे से डरता हूँ, बाकी मैं शेर हूँ। शेर, अगर आप में से किसी को मेरी मर्दानगी देखनी है, वहाँ पे से कोई मुझसे कुश्ती लड़े। हाजी गरम कूल के सोटी को चैलेंज कर सकता हूं। उसको अगर मुकाबला है, जीत गया सोटी तो ठीक है ना, वो करेगा वॉचमैन गिरे। और सोटी तो चूहे से डरता भी नहीं है। अभी जो हमने जिस सीन पे रिएक्ट किया वो उस लेवल के हिसाब से नहीं था जो होता है बाय नॉर्मली गड़ा फैमिली में। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज हुई थी। तो ये तेरे लिए एक वो है वार्म अप सेशन। हाँ। आगे हम और भी तारक मेहता के एपिसोड्स हाँ। या सीन पे रिएक्ट करेंगे। आप लोग अगर आप लोगों को कोई फेवरेट सीन हो तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे भेजना या कमेंट करके लिंक। और एक मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं इन लोगों को दिखाऊंगा। बहुत जेल वाला मेरे को भी वहाँ जेल हाँ। वाला है, बहुत सारे हैं वैसे तो सीन, वो बहुत ही फनी था। तो मैं तो मम्मी पापा मैम तीनों बैठ के देख रहे थे, इतना हंसते हैं हम भाई। चुड़ैल वाला भी बहुत दया बन जाती है। बहुत सारे यार, ये भी एपिसोड मैंने देखा हुआ है, बहुत टाइम हो गया। हाँ तो भी रिकॉल हुआ। यस, और अगर आप लोग चाहते हो हम इस सीरीज को ऐसे ही आगे देखते रहे तो प्लीज यार सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी जरूर दबाओ। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, अदरवाइज आप हमें डीएम करो इंस्टाग्राम पे। यस, और इंस्टाग्राम हैंडल्स हमारे यहाँ पे आए तीनों के, जाके फॉलो कर लो यार हमें। और हमारे चैनल का इंस्टाग्राम है वो भी आ रहा है, वहाँ पे भी हमें फॉलो करो। वहाँ पे सजेशन दो कुछ तारक मेहता के उल्टा चश्मा के और फनी एपिसोड्स या फिर कुछ फनी क्लिप्स हैं तो आप रील भी भेज सकते हैं, हम उस पे रिएक्ट करेंगे। और इसने कभी देखा नहीं तारक मेहता, इसको प्यार करवा देंगे तारक मेहता से। यस, और डिस्क्रिप्शन में हमारे अदर चैनल के लिंक भी है तो वो भी जरूर चेकआउट कर लेना। वहाँ हम व्लॉग वीडियोस काफी चीजें डालते हैं तो वहाँ भी अपना प्यार दिखाना। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।